आज हम पेपर फोर्थ बी, नाम क्या है, अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट्स, ठीक है, नाम और नंबर नहीं भूलना, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट्स, ठीक है। आज जो टॉपिक है हमारा, फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट टॉपिक है ये, इसका नाम है टाइप ऑफ डिसिप्लिन, कि जो अब तक हम लोग डिसिप्लिन पढ़ चुके हैं, अकेडमिक डिसिप्लिन की हम यहाँ पर बेसिकली बात करेंगे, कि हमारा अकेडमिक या शैक्षणिक जो डिसिप्लिन है, क्रम है हमारा, वो क्या है, ठीक है। तो उसके अंदर हमने टाइप बात करनी है। टाइप कुछ स्कॉलर्स होते हैं या रिसर्चर्स होते हैं, सुने पता है स्कॉलर्स कौन होंगे, रिसर्चर्स कौन होंगे, जिन्होंने सब्जेक्ट्स के बीच में बहुत सारा अपना एक्सपीरियंस दिया है, उन्होंने कुछ नया नया ढूंढा है एक सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, तो उनकी अच्छी बातें हम एक जगह पर नोट करके रख लेते हैं, ठीक है। तो वो उस सब्जेक्ट के क्या बन जाते हैं, या तो वो उनको हम रिसर्चर बोल देते हैं या हम उनको स्कॉलर्स बोल देते हैं, ठीक है। तो आज जो हम टाइप करेंगे वो कुछ रिसर्चर के हिसाब से है, स्कॉलर्स ने जो टाइम टू टाइम दी है उसके हिसाब से है, और कुछ जो है नॉर्मल, जो हम उसको हम पूरे को कैसे किस हिसाब से हम आजकल डिवाइड करते आए हैं, इस तरीके से हम बात करेंगे। तो सबसे पहले है सेवन लिबरल आर्ट्स। क्या नाम है? सेवन लिबरल आर्ट्स। नाम से ही पता चल रहा है कि सात चीज़ें हैं, ठीक है, कि टोटल हमने यहाँ पर क्या चीज़ें ली हैं, सेवन थिंग्स वी इंक्लूड हेयर। सेवन में आप ध्यान से देखो, फर्स्ट है हमारे पास ट्राइब, समझ आ रहा है, ट्राइब, ट्राइब मीन्स कि यहाँ पर हमने थ्री थिंग्स ही इंक्लूड की हैं, तीन चीज़ें ही हमने ली हैं। नेक्स्ट है क्वा, क्वा मतलब क्वार्टर से निकला है, चार चीज़ें, ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या लिया है, फोर सब्जेक्ट्स लिए हैं, ठीक। इस तरीके से ये कब की बात है, ये एंशियंट ग्रीक और रोम की बात है, कि जब वो अपने करिकुलम को डिवाइड करते थे, ठीक है, जो रोमन, सुना है ना आपने, रोम के लोग या ग्रीस के लोग अपने करिकुलम को कैसे डिवेल्प करते थे, मोनेस्ट्री वाले या जो मिडिल एज के स्कूल्स थे, यानी कि मध्यकालीन टाइम की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, मॉडर्न टाइम की हम यहाँ पर बात नहीं कर रहे हैं, क्लियर है इतना। तो सेवन कौन कौन से थे, ट्राइवियम के अंदर तीन रखे हैं और क्वाड्रेट्रियम के अंदर हमने चार रखे हैं। कौन कौन से हैं, ग्रामर है, रियोट्रिक है और डायलप्स हैं, ये ट्राइवियम में हैं। और क्वाड्रियम में क्या है, अर्थमेटिक, ज्योमेट्री, एस्ट्रोनॉमी और म्यूजिक। इस तरीके से ग्रीक के लोग या रोम के लोग 1930 के अराउंड क्या करते थे, अपने करिकुलम को इस तरीके से डिवाइड करते थे। फर्स्ट टाइप क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। ये मिडिल एज की बात है, मिडिल एज मतलब कि जब हम मध्यकालीन हम टाइम बोलते हैं ना हिस्ट्री का, ये उस टाइम की बात है, ये करिकुलम को हम लोग इस तरीके से डिवाइड करते थे, ठीक है। सेकंड आता है अरस्तु। अरस्तु ने कैसे किया, उसने मेन तीन के अंदर डिवाइड किया है, पहला बोलते हैं थ्योरेटिकल, प्रैक्टिकल और प्रोडक्टिव। थ्योरेटिकल से भी नाम समझ में आ रहा है कि क्या नाम है, कि टू नो और टू अंडरस्टैंड, कि कुछ जानना है हमने, थ्योरी पढ़नी है, ठीक है, हम आजकल जो नॉर्मल भाषा में बात करते हैं, थ्योरी करनी है, कि कुछ हमें चीज़ जाननी है किसी भी सब्जेक्ट के बारे में, तो उसको हम कहाँ रखेंगे, थ्योरेटिकल के अंदर, ठीक है। इसके अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट्स आ सकते हैं, इसके अंदर मैथ्स आ सकता है, नेचुरल साइंस आ सकती है, ठीक है, जहाँ पर थ्योरीज हमें मिलती हैं। सेकेंड है प्रैक्टिकल, नाम से इंडिकेशंस मिल रही हैं कि टू डू समथिंग, कि कुछ करके देखना है, कुछ स्किल्स हैं जो हमें इम्प्रूव करनी है, वो कैसे आएंगी, जब तक हम करके नहीं देखेंगे तब तक वो हमें चीज़ें नहीं आएंगी, तो जो ऐसी स्किल्स हैं उनको हमने कहाँ फॉलो कर दिया, प्रैक्टिकल डिसिप्लिन्स के अंदर, ठीक है। यहाँ पर क्या आ सकता है हमारे पास, यहाँ पर कौन कौन से सब्जेक्ट्स आ सकते हैं, यहाँ पर सोशल साइंसेस आ सकते हैं, ह्यूमन नेचर आ सकता है, कि जिसको हम बदलाव, जहाँ पर हम चेंजेस ला सकते हैं, वो चीज़ें हमने यहाँ पर रखी हैं। थर्ड है हमारे पास प्रोडक्टिव, कि हमने कुछ नया बनाकर दिखाना है, आर्ट्स है, ड्राइंग है, म्यूज़िक है, एक चीज़ के ऊपर हम कुछ नया नया
परफॉर्म कर देते हैं ना, नया नया बना देते हैं, इंजीनियरिंग है, बिल्डिंग है, इस तरीके से कि एक चीज़ हर एक अपनी इमेजिनेशन के हिसाब से नई चीज़ क्रिएट कर रहा है, तो उसको हमने कहाँ डाल दिया, प्रोडक्टिव में। क्लियर? पहला हमने क्या किया, सेवन रिबलर आर्ट्स में क्या था, सेवन सब्जेक्ट्स थे, ठीक है। अब अरस्तु ने कैसे डिवाइड किया, थ्योरेटिकल, प्रैक्टिकल और प्रोडक्टिव, ठीक है। थ्योरेटिकल में क्या आएगा कि जब हमें कोई चीज़ जाननी है, डेप्थ में जाना है, थ्योरीज करनी है, ठीक है। प्रैक्टिकल में क्या आएगा, जब हमें कोई चीज़ करके देखनी है, ठीक है। स्किल्स होती हैं, जैसे अब तक हम करके देखेंगे नहीं, हमें नहीं आएगी, ठीक है। उसके बाद प्रोडक्टिव में है कि टू मेक और क्रिएट समथिंग, कि इमेजिनेशन के हिसाब से आप अपनी, अगर मैं आप सबको भी अगर एक ही चीज़ बताऊं कि हट बना के दिखाओ, तो आप जितने लोग बैठे हो सब सेम हट नहीं बनाओगे, कोई डायमेंशन चेंज कर देगा, कोई कलर कॉम्बिनेशन चेंज कर देगा, तो वो क्या है, आप सब कुछ अपनी क्रिएटिविटी के अकॉर्डिंगली आप वहाँ पर काम करोगे, तो वहाँ पर हर बार क्या आएगा, कुछ ना कुछ नया क्रिएट होगा। आप खुद भी जब बनाते हो, तो पहली बार अगर मान लो कि किचन में भी आपने कुछ बनाया, फर्स्ट टाइम कुछ बनाओगे तो टेस्ट अलग होगा, सेकंड टाइम बनाओगे तो टेस्ट और टेक्सचर अलग होंगे। एवरी टाइम क्या होगा, नया टेस्ट और नई इम्प्रूवमेंट के साथ ही आप कोई चीज़ प्रोड्यूस करोगे, ठीक। दो क्लियर है ये। उसके बाद तीसरा है विंगलेंस का मॉडल है। विंगलेंस भी एक स्कॉलर और एक रिसर्चर रहा है। इन्होंने अपने अकॉर्डिंगली चेंज किया है, इन्होंने डिपेंड चेंज किया है कि कितनी हम वो लेते हैं, कि हम डिग्री कि किस हद तक हम उस चीज़ को समझ पा रहे हैं। तो इन्होंने हार्ड और सॉफ्ट भी, आप एक जैसे चौक है, चौक की अगर हम डिग्री की बात करते हैं कि हाथ से नहीं दब रहा, और अगर हम अगर गूंधे हुए आटे की बात करें तो वो दब जाता है, तो यहाँ पर डिग्री का समझ में आ रहा है, हार्ड और सॉफ्ट समझ में आ रहा है मतलब। तो सेम ऐसे ही उन्होंने सब्जेक्ट्स की डिग्री के हिसाब की बात की है कि उस सब्जेक्ट की डिग्री हार्ड है या सॉफ्ट है। तो इन्होंने हार्ड के साथ प्योर और अप्लाइड दो चीज़ें ली हैं। प्योर का मतलब क्या है कि ऐसा सब्जेक्ट जिसको बनाने के लिए किसी दूसरे सब्जेक्ट की हेल्प की ज़रूरत नहीं है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्योर, ठीक है। अप्लाइड क्या होगा, अप्लाइड होगा हमारे पास कि जिसके अंदर हमें कुछ और कंसर्न रखना पड़ेगा, नॉलेज को हमें अप्लाई करना है, ठीक है। और उसको हम अप्लाइड क्यों बोल रहे हैं, ताकि उसके अंदर जो है किसी और सब्जेक्ट की ज़रूरत हमें साथ साथ पड़ रही है। मैं अभी इसको एग्जांपल देके बताती हूँ आपको कि कैसे होगा। प्योर में क्या आ जाएगा, हमारे पास मैथमेटिक्स आ जाएगा, लैंग्वेज है, फिलॉसफी है, और अप्लाइड में क्या आ जाएगा, एग्रीकल्चर है, ठीक है, एजुकेशन है, बैंकिंग है, लॉ है, मैनेजमेंट है, कि मींस कि ये इंडिविजुअल सब्जेक्ट नहीं है, ये कहीं से निकल कर आए हुए बने हुए हैं, इसीलिए इसको हमने कहाँ डाला है, अप्लाइड में डाला है। और अप्लाइड हार्ड क्या होगा कि उस सब्जेक्ट की डिग्री कैसी है, हार्ड है, ठीक है, हार्ड अप्लाइड। ये होते हैं प्रैग्मेटिक होते हैं इन नेचर में, ठीक है। और इसके अंदर क्या होगा, इनका नेचर कैसा होता है, इनका नेचर क्वालिटेटिव होता है, प्रैग्मेटिक होते हैं ये, कि यहाँ पर हम जज कर सकते हैं इन चीज़ों को कि साइंस बेस्ड हैं या नहीं है, ठीक है। इसके एग्जांपल आपको समझ में आ गए अप्लाइड के और प्योर के, कि प्योर क्या होगा कि वो बिल्कुल ही प्योर है, उसके अंदर किसी भी सब्जेक्ट के मिक्स होने की पॉसिबिलिटी नहीं है, कि वो खुद से सिंगल स्टैंड हो सकता है। लेकिन अप्लाइड क्या है, उसको खड़े होने के लिए, उसको एग्जिस्ट करने के लिए एक या दो या किसी किसी सब्जेक्ट का मिक्सचर उसके अंदर हमें देखने को मिलेगा, दैट्स वी आर कॉल्ड इट्स अप्लाइड, ठीक है। फिर हम बात करते हैं ट्रेडिशनल टाइप ऑफ डिसिप्लिन्स, कि जो अब तक हम लोग सुनते आ रहे थे। पहला है हमारे पास ह्यूमैनिटीज, आप लोग बोलते हो ना, आप लोगों ने कभी सुना है कि आर्ट्स के सब्जेक्ट होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ह्यूमैनिटी ग्राउंड बोलते हैं, सुना कभी? आप लोग का जो बेसिकली मेन टाइप रहता है वो क्या रहता है, ह्यूमैनिटीज रहता है, कि यहाँ पर क्या है,
इसमें हमने एक्सप्रेस करने हैं ह्यूमन की एस्पिरेशंस, कि ह्यूमन के साथ हम डील कर रहे हैं, इंटरप्रिएट करेंगे, असेस करेंगे हम ह्यूमन की अचीवमेंट्स को, एक्सपीरियंसेस को, लेयर्स ऑफ मीनिंग ऑफ रिचनेस ऑफ डिटेल्स इन रिटन टेस्ट, आर्टिफैक्ट्स, कल्चरल प्रैक्टिकल्स, हिस्ट्री, लैंग्वेज, लिटरेचर, कि मीन्स कि ह्यूमन्स हमारे आसपास नज़र आ रहे हैं। लिटरेचर में आप हिस्ट्री में क्या पढ़ते हो? बाबा अकबर ने क्या किया, बाबर ने क्या किया, कौन है ये, कौन है ये, ह्यूमन्स ही तो है ना, ठीक है। तो ह्यूमनिटीज़ में बेसिकली आएगी उनकी फिलॉसफी, उनका उनकी क्या सोच थी, ठीक है। झांसी की रानी आई, उसकी क्या सोच थी, हम उसकी पढ़ते हैं। तो बेसिकली अराउंड अराउंड हम कहाँ घूमते हैं, ह्यूमन्स के असेसमेंट के अराउंड घूमते हैं। उसके बाद है सोशल साइंसेस। अब हमने यहाँ पर बात करनी है सोसाइटी की, ह्यूमन्स ने सोसाइटी के लिए क्या किया, या सोसाइटी में कौन कौन से क्रिएचर्स हैं जो हमें यहाँ पर डील करनी है। तो जब हम सोसाइटी की बात करेंगे तब कहाँ पर आएगा, हम सोशल साइंस में, हम ह्यूमन्स की बात करेंगे ह्यूमनिटीज़ में, और नेचुरल साइंस में हम बात करते हैं कि ये सारी दुनिया है बनी कैसे है, ब्रह्मांड क्या है, ठीक है, लोगों के एग्जिस्ट होने का रीज़न क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, कैसे बना है ये। हम लोग सोचते हैं ना कि पृथ्वी कहाँ खड़ी है, ब्रह्मांड में खड़ी है, हम गिरते क्यों नहीं हैं। जब हम बच्चे होते हैं तो बहुत सारे इलॉजिकल क्वेश्चंस हमारे माइंड में आते हैं ना, तो नेचुरल साइंस जो है उन सब का आंसर हमें देता है। फिर है हमारे पास आर्ट्स, फाइन आर्ट्स। फाइन आर्ट्स के अंदर हम क्या लेंगे, म्यूज़िक लेंगे, विजुअल आर्ट्स लेंगे, परफॉर्मिंग आर्ट्स लेंगे, कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो ब्यूटी को इंक्रीज़ करेगा। म्यूज़िक अब आप सुनते हो ना, कैसा फील होता है, अगर थोड़ा सा फास्ट होता है तो हम लोग डांस करने लगते हैं, थोड़ा सा सैड होता है तो हमारी आँखों से आंसू आ जाते हैं, तो वो क्या है, हमारी फीलिंग्स को चेंज कर देता है, ठीक है। हम म्यूज़िक के साथ बहना शुरू कर देते हैं, कि जिस तरीके का म्यूज़िक चल रहा होता है, हमारी जो उस जो टाइम होता है वो उसी हिसाब से फ्लो करना शुरू कर देता है। ये ब्यूटी को इंक्रीज़ कर देता है, उस टाइम की ब्यूटी को। अगर मान लो कि डीजे नाइट है और हम रोने वाले गाने लगा दें, चलेगा नहीं ना। तो जिस प्लेस में लगा है, जिस मूड में लगा है, वो उसको बिल्कुल ख़राब कर देगा, ठीक है। तो म्यूज़िक ऐसी चीज़ है, लाइफ चेंजिंग चीज़ है, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट फिर आ रहा है अप्लाइड और प्रोफेशनल। अप्लाइड मतलब समझ में आ गया क्या, अप्लाइड डिसिप्लिन क्या होगा, विच इज़ नॉट प्योर, जो अपने आप में प्योर नहीं है, उसको हम क्या बोलेंगे, अप्लाइड बोलेंगे। साथ में इसको हम बोल देते हैं प्रोफेशनल डिसिप्लिन। अगर हम कुछ टाइम पहले की बात करें, एजुकेशन प्रोफेशनल डिग्री नहीं थी, ठीक है, जब हम अपने पेरेंट्स या सुपर पेरेंट्स की बात करते हैं, कॉमर्स, मैनेजमेंट, सीए, इतने स्ट्रीम्स जो इंजीनियरिंग के, इतने स्ट्रीम्स जो आज निकल कर बाहर आए हुए हैं, क्या पहले वो सेम थे, नहीं थे। तो अप्लाइड और प्रोफेशनल डिसिप्लिन ने उनको एक बहुत बड़ी रेंज प्रोवाइड की है। यहाँ पर हम बात करेंगे कि कौन कौन से वो है, क्रिमिनल जस्टिस है, कम्युनिकेशन है, बिजनेस है, ये सारे सब्जेक्ट जो हैं वो बाद में बाहर निकल कर आए हैं। उसके बाद लास्ट है हमारे पास फाइन आर्ट्स और परफॉर्मिंग आर्ट्स। इसको हम ट्रेडिशनल कैटेगरी में भी हम इसको पढ़ चुके हैं ना, ट्रेडिशनल कैटेगरी में फाइन आर्ट, ठीक है। लेकिन अब इसको हमने थोड़ा सा स्टेटस इसका चेंज कर दिया है, कि जो इसमें हमें नयापन लाना था वो हम न्यू टाइप में ले आए हैं, क्लियर है। रिपीट करूं, फर्स्ट क्या है, 7 डिबलर, इसमें क्या था, 7 सब्जेक्ट। पहला क्या है, ट्राइवियम मींस की कॉम्बिनेशन ऑफ 3, क्वाडियम मींस की कॉम्बिनेशन ऑफ 4, ठीक है, 7 हो गए। आप इनके नाम एज इट इज लर्न करोगे। उसके बाद है अरस्तु का, अरस्तु ने 3 दिए, थ्योरेटिकल, प्रैक्टिकल और प्रोडक्टिव। थ्योरेटिकल मींस टू नो, ठीक है, टू नो और टू अंडरस्टैंड। प्रैक्टिकल टू डू समथिंग, और प्रोडक्टिव में टू मेक और क्रिएट समथिंग। इतने क्लियर है। थर्ड हमारे पास बिगलन्स का आप डाल सकते हो, हार्ड प्योर डिसिप्लिन, हार्ड अप्लाइड डिसिप्लिन, सॉफ्ट प्योर और सॉफ्ट अप्लाइड।
कि जो बिल्कुल प्योर है और हार्ड है, जिसको बिल्कुल भी हम चेंज नहीं कर सकते, वो कहाँ पर आएंगे? हार्ड प्योर डिसिप्लिन में। ठीक है, हार्ड और सॉफ्ट क्यों रखा हुआ है? डिग्री की बात कर रहा है कि कितने एक्सटेंड तक हमने यहाँ पर जाना है, टू डिग्री टू विच अ पैराडिगम एग्जिस्ट, कि कहाँ तक उसकी डिग्री एग्जिस्ट कर रही है। उसके बाद क्या आएगा? ट्रेडिशनल टाइप। ट्रेडिशनल टाइप में क्या आया? ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, नेचुरल साइंस और फाइन आर्ट्स। ये आपके बुक में ना अलग अलग से सब्जेक्ट भी लिखे हुए हैं। व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग योर चार्ट यू हैव टू राइट द नेम हेयर। ठीक है, देन अप्लाइड और प्रोफेशनल डिसिप्लिन्स, और लास्ट वन इज द फाइन एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स। क्लियर?